हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से फिनिक्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो दोस्तों अगर आप लोग सेशन पे नए हो तो सेशन को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने जो कल आपसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे होमवर्क पे, तो उन क्वेश्चंस को पहले मैं होमवर्क पे डिस्कस, जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन करेंगे, देन हम बढ़ेंगे आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आपको लास्ट में आपको कल के लिए जो होमवर्क होगा वो आज ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उसमें बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आपको होमवर्क पे दिए हुए, तो उन क्वेश्चंस को करिएगा, वो क्वेश्चंस जरूर डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट बनेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलो देखते हैं हमारा जो कल आपको हमने होमवर्क दिया था उसमें से कौन से होमवर्क था, आप लोगों ने कोई सीने कमेंट नहीं किया तो उसको देख लेते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है वो थे वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर, और बंगाल का पहला गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, अंतिम जो गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स, और यही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहलाए थे, ठीक है ना। फिर दूसरा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वही भारत का वायसराय, पहला वायसराय कहलाया, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, यही भारत के पहले वायसराय भी कहलाए। बंगाल का पहला गवर्नर, देखो अभी हमने बताया बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव बता दिया आपको, भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर की बात करें गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं हम आज के नए जो फॉर्म पे, मतलब कि नए क्वेश्चंस पे, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस आपके दिख रहे होंगे जो हमने दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक एक करके पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी कि देखो हमारे मतलब की तो ये पे क्वेश्चन है मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ इंडियन बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेवाओं के लिए क्या किया है, समझौता ओमयू साइन किया हुआ है। अब देखो जरा यहाँ पे हमारे मतलब की चीज क्या है, इंडियन बैंक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन बैंक, आपको पता है इंडियन बैंक का विलय, इंडियन बैंक का मर्जर होने जा रहा है किसी न किसी, किसके साथ, किस बैंक के साथ, तो देखो इलाहाबाद, ये हमारे मतलब की बात पढ़ रहा हूं आपको, इलाहाबाद बैंक के साथ मर्जर होगा, और हमारी कुछ न्यूज में रही है जो मर्जर पे देख लेते कौन कौन सी, एक रही है ये तो पहली हो गई, दूसरी तीन बैंक पीएनबी और उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस, ये तीन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पीएनबी और एक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड बैंक जो है इसके ये तीन, फिर उसके बाद कहोगे कैनरा, जो कैनरा का मर्जर है वो सिंडिकेट के साथ है, किसके साथ है, सिंडिकेट के साथ है, और उसके बाद कहोगे आंध्रा बैंक प्लस यूनियन बैंक और यूनियन कॉरपोरेशन बैंक, ये तीन का आपका मर्जर जो रहा है, ये बैंकों का आपका मर्जर रहा, तो ये न्यूज आपके इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करना है दोस्तों, एक साइड पे लिख लेना, ठीक है ना। अब दोस्तों तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक टर्म और आया आपने मतलब की, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय जो है नितिन जयराम गडकरी जी के पास है, जो कि नागपुर से इनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे अगर कोई चीज न्यूज बनने वाली अपने मतलब की चीज़, उनको क्या करना है, वहां से उठाकर उनको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री के कार्य के रूप में संभाला। अभी देखो क्या हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें से क्या हुआ, शिवसेना और बीजेपी में टकराव गठबंधन को लेकर हो गया, और उसमें से एक ने क्या किया, आपका इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, वो किसने इस्तीफा दिया तो वो आपको बताना है। तो ये जो ऑप्शन में आंसर में लिखा हुआ प्रकाश जावड़ेकर ने ये क्या किया, ये मतलब कि भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री और सार्वजनिक उद्यम यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस ये कार्यभार संभाला किसने,
प्रकाश जावड़ेकर, इनके पास ऑलरेडी मंत्रालय है। वो कौन से मंत्रालय हैं आपको पता? पर्यावरण मंत्रालय और संचार एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग और एनवायरमेंट, ये किसके पास है? ऑलरेडी थे। और इनके पास आपके पास आ गया हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गया। और ये राज्यसभा कहाँ के सांसद कहाँ से हैं? तो राज्यसभा सांसद ये महाराष्ट्र से हैं, ठीक है ना। इतनी सारी न्यूज इस क्वेश्चन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है, अगले महीने इंद्र सैन अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की जाएगी? दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए इंद्र जो सैन अभ्यास होगी वो अगले महीने आयोजित की जाएगी, ये किन दो देशों के साथ होती? तो भारत और रसिया के साथ होती है। किसके साथ होती? भारत और रूस के साथ। अब देखो कैसे हमको पढ़ना है, भारत और इसके साथ कैसे होती इंद्र, एक होती है एविया इंद्र, एक कौन सी होती दोस्तों? एविया इंद्र, और एक होती है इंद्र नेवी, इंद्र नेवी। ये तीनों होती है भारत और रूस के साथ। अब देखो यहां से समझना क्या, अब देखोगे एक होती इंद्र शक्ति, इंद्र शक्ति ये जो होती है किसके साथ है? भारत एवं यूके के साथ होती है, भारत यूके के साथ होती है इंद्र शक्ति। अब देखो यहां से फिर हम उठाते हैं शक्ति, उठाते हैं किसको? उठाते हैं शक्ति वरुणा, शक्ति वरुणा और गरुणा, ये किसके साथ होती है दोस्तों? ये इनको उठाते हैं, ये भारत और फ्रांस के साथ होती है। अब देखो जरा शक्ति उठाया था, शक्ति से चलते हैं तो कहोगे शक्ति में एक आती है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, एक आती है गरुण शक्ति, एक कौन सी आती है? गरुण शक्ति। तो ये किसके साथ होती है? ये भारत एवं इंडोनेशिया के साथ होती है। किसके साथ होती है? भारत और इंडोनेशिया। अब देखो कैसी और भी कैसी है, एक आती है हरिमऊ शक्ति, एक आती है हरिमऊ शक्ति, एक आती है मित्र शक्ति। सब शक्ति उठा लो एक जगह, जब भी कभी आए तो इस तरह की न्यूज को क्या करो, बार बार पढ़ो। तो ये मलेशिया के साथ, भारत और मलेशिया के साथ होती है, और जो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के साथ होती है, भारत एवं श्रीलंका के साथ होती है। जब इस तरह के बार बार पढ़ोगे तो यार सभी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, एक सिक्वेंस में याद हो जाएंगी। क्या ये चीजें नहीं पढ़ पाओगे? इंद्र से उठाया तो इंद्र की जितनी थी हमने पढ़ लिया, शक्ति उठाया शक्ति से जितनी है हमने उसको पढ़ लिया, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मारेगो सचिन तेंदुलकर किस कीट की प्रजाति का नाम दिया गया है? तो यार देखो एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मारेगो सचिन तेंदुलकर एक कीट है, उसकी प्रजाति का, किसी कीट की प्रजाति का नाम रखा गया है मारेगो सचिन तेंदुलकर। तो ये कौन सा कीट, कौन सा है? तो मकड़ी, मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है क्या? मारेगो सचिन तेंदुलकर। बेहद इंपॉर्टेंट होगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा कि किस कीट का, किस ऑप्शन में होगा, तितली होगा, छिपकली होगा, आपके पास कॉकरोच होगा, आपके पास ये मकड़ी होगी, इस तरह के न्यूज पे होंगे। तो याद रखना मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया क्या? मारेगो सचिन तेंदुलकर, बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया? दोस्तों अभी यहाँ पे क्या हुए थे, मेघालय उच्च न्यायालय के जो अजय कुमार मित्तल थे, ऑलरेडी पहले कौन थे? अजय कुमार मित्तल, लेकिन उनको दोस्तों क्या किया गया था, अभी कल हमने जो बोला, अच्छा कल से पहले रिलेट करते हैं, पहले चलते हैं, कल हमने बताया था आपको पटना, पटना के बने थे, फिर हमने कहा था मद्रास के भी बने हुए, किसके बने थे? मद्रास। तो पटना के जो बने थे संजय करोल, क्या उनसे बने थे? संजय करोल को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, और अमरेश्वर प्रताप शाही को कहां का बनाया गया? मद्रास का। अब देखो मेघालय के, आज हमने बता दिया मेघालय के कौन बन गए हैं, मेघालय के आपके पास ये देखो लिखे हुए मोहम्मद रफीक बन गए हैं, कहां के? मेघालय के। अच्छा इसके पहले जो मेघालय के थे उनका नाम था अजय कुमार मित्तल, क्या नाम था? अजय कुमार मित्तल नाम था। अब ये कहां के बन के? तो ये एमपी के बने हुए, कहां के बने हुए? एमपी के बने हुए। तो दोस्तों इस तरह के आप, अच्छा पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीन को एक साथ पढ़ना है, ये बने हुए आपके रविशंकर झा, कौन बने हुए हैं? रविशंकर झा। इस तरह से न्यूज को आपको बार बार पढ़ लेना है, रिपीट कर करके पढ़ लेना है, तो आपको ये सारी चीजों को क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी, जैसे अब आपको मान लो हमको रटी हुई है।
बी एन पटेल दिल्ली के बने हुए, पी आर नायर रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ के बने हुए थे, अब प्रदीप नंद्राजोग जो है महाराष्ट्र के बने हुए, अभय श्रीनिवास ओका ये आपके बने हैं कहाँ के, कर्नाटका के बने हुए। तो यार इस तरह के क्या नहीं याद आ जाएंगे, बार बार सब पढ़ोगे तो बार बार अभी सात राज्यों के बने, एस मणिकुमार, एस मणिकुमार कहाँ के बने, हिमाचल प्रदेश के बने हुए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है, मल्टी टाइम रिविजन करना है, सभी चीजें क्या हो जाएंगे आपको रट जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिशु सुरक्षा ऐप की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई। शिशु सुरक्षा ऐप दोस्तों असम राज्य सरकार द्वारा शिशु सुरक्षा ऐप की शुरुआत की, यानी कि बालक संरक्षण के लिए इन्होंने इस शिशु सुरक्षा ऐप की क्या की शुरुआत की, बालकों की सुरक्षा के लिए, बालकों की कैसे, मान लो जैसे लेबर चाइल्ड जो होती है, लेबर यानी कि जो आपके छोटे छोटे कारखानों में, मतलब कि बड़े बड़े कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या काम के लिए, तो आप यहाँ पर जाकर अगर ऐसी कोई खबर मिल रही है तो आप इस ऐप के माध्यम से वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो कि इस कंपनी के खिलाफ क्या, इस उद्योग मतलब कि इस आपकी इंडस्ट्री के खिलाफ, कि यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों को यानी कि जो उनकी बाल्यावस्था भी काम करने की उम्र नहीं है, जो संविधान के दर्जे में नहीं आते हैं, तो उनके पहले आप उसको कंप्लेन कर सकते हो। ये शिशु सुरक्षा ऐप की शुरुआत असम से पता क्या हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहां होगा, असम के गुवाहाटी में होगा, कहां पे होगा, असम के गुवाहाटी में। और असम से कुछ कहोगे, हाँ, नॉर्थ ईस्ट बुक फेस्टिवल कहां पे हुआ, पुस्तक मेला की शुरुआत कहां हुई है आपके असम में, और स्किल कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहां होगी, असम। प्लास्टिक का जो आपका केंद्र, प्लास्टिक सेंटर जो बनेगा, यानी कि पहला भारत का पहला प्लास्टिक सेंटर जो होगा वो भी कहां बनेगा, असम में बनेगा। इस तरह की न्यूज आपको, जगदीश मुखी वहां के क्या है गवर्नर है, सर्वानंद सोनोवाल वहां के क्या है मुख्यमंत्री है, दिसपुर वहां के क्या है कैपिटल है, इस तरह से जब भी आए उसको क्या कर दो रट डालो, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर सेशन अच्छा लगता है इसको क्या करिएगा लाइक करिएगा। चलो राष्ट्रीय जल आयोग के लिए किस समिति का गठन किया गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रीय जल आयोग के लिए जो मिहिर शाह समिति का क्या किया जाएगा गठन किया जाएगा, मिहिर शाह समिति बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा दृष्टि से, आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, तो मिहिर शाह जो समिति है ये आपके राष्ट्रीय जल आयोग के लिए समिति का गठन किया। अब देखो हमारा मतलब है, इस बार 2019 में एक मंत्रालय जुड़ा है, कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय, 2019 में कौन सा जुड़ा है, जल शक्ति मंत्रालय, ये किसके पास है, तो दोस्तों कहोगे कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है, किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। ये कहां से राज्यसभा सांसद हैं, सॉरी ये लोकसभा सांसद कहां से हैं, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से ये क्या है लोकसभा सांसद है। इस तरह से आपको क्या करना है, सभी चीजों को आपको बार बार पढ़ लेना है, इतना ही हमारे मतलब, इस क्वेश्चन से हमारे मतलब की चीज क्या है, इतना ही मतलब कि पुरानी न्यूज को क्या करना है आपको लिंक करना है, चाहे जो क्वेश्चन आए देखो यहाँ पे कितनी चीजें लिंक हो सकती है, कितनी हम प्रीवियस न्यूज को, चाहे वो आप हिस्ट्री से उठा लो, चाहे वो पॉलिटिक्स उठा के लाओ, चाहे जहां से लाओ, आप सोचो कि इसमें कितनी चीजों को मैं जोड़ सकता हूं, जितना जोड़ दो, जितनी लंबी चेन बना पाओ उतनी लंबी चेन बना करके उसको क्या करते रहो, पढ़ते रहो, खींचते रहो। यार जब खींचोगे ना तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वो चेन तैयार हो जाएगी, जब उस चेन को तैयार, वो चेन ही तो आपको क्या करें सिलेक्शन के मार्ग पर पहुंचाएगी जाके, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए SBI ने भारत की GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना अनुमान किया, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए SBI ने भारत की GDP को कितना अनुमानित किया, तो दोस्तों कहोगे 5%, कितना किया, आंसर में लिखा हुआ 5%, पहले इन्होंने अनुमानित किया था 6%, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है 5%। अच्छा कुछ अभी कुछ ही पुरानी न्यूज पे चलते हैं, फिच का नाम आपने सुना होगा, इसने भी कुछ बदल दिया है, फिच ने बदला है और RBI ने भी बदला था, RBI ने, तो फिच ने कितना कर दिया, अब देखो SBI ने तो कर दिया 5%, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था GDP कैसे CSO कैसे बताता है, जब ये सब बता देंगे बाद में CSO फाइनल रिजल्ट देता है, फाइनल कौन देता है, CSO देता है, 5% यानी कि कितने SBI ने 5.5% कर दी है, कितने फिच कंपनी ने कर दिया, और RBI ने जो कर दिया है 6.1%। अब आपको क्या करना है, UNO आपको बताना है, RBI हमने बता दिया, UNO, IMF आप बताओगे, ADB आप बताओगे, वर्ल्ड बैंक आप बताओगे, मूडीज आप बताओगे, OECD की आप बताओगे, इस तरह की सारी चीजों को क्या करना आपको, NDB
नेशनल डेवलपमेंट बैंक की आप बताओगे, ये सब चीजों की आपको क्या करना है, बताना है जाकर के, ठीक है ना। तो भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो दोस्तों एक लाइन में इसके लिए हम पढ़ेंगे, ये जो राज्य सरकार की, ये हरियाणा राज्य सरकार की है। कहाँ की है? हरियाणा राज्य सरकार की योजना है, बस इससे और हमारे पास कुछ नहीं। भावांतर जो आपके पास कहोगे किसानों की फसलों के लिए, जो कहोगे उनकी फसलें जो होती है उनकी कम आय पर अगर बिक रही है, सरकार के मूल्य से कम बिक रही है, तो उसकी जो सरकार क्या करेगी, भरपाई किसानों को करेगी। तो ये भावांतर भरपाई योजना से याद रखना कि किसकी है, हरियाणा सरकार की योजना, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। किस शहर की मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा? किस शहर के मेट्रो का नाम क्या कहते हैं, राजा भोज के नाम पे रखा जाएगा? तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में भोपाल, राजधानी क्या है, भोपाल। तो भोपाल के मेट्रो का नाम क्या रखा जाएगा, राजा भोज के नाम पे रखा जाएगा। इतने आपके हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारे पास जो होमवर्क सेशन पे रखा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, उसमें आपको कैसे बताना है हम आपको बता दें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिक्स बैठक। ब्रिक्स बैठक में देखो हमने जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं, आपको बताना क्या कि 2019 जो ब्रिक्स बैठक है आपकी 2019 और 2020, ये बताना है कि किस नंबर की होगी। यहां पे बताना है नंबर और वो प्लेस, यानी कि प्लेस कहां होगा और नंबर कहां होगा, ये बताना है। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ आसियान 2019 की बताना है और 2020, तो ये बताना है कि नंबर और प्लेस बताना है, इसमें भी नंबर और प्लेस बताना है। फिर देखो G20 हमने बताया है, G20 ये आसियान बताया, ये आसियान और ये आपका ब्रिक्स, ठीक है ना। G20 में भी हमने कहा कि कहां का, 2019, 20, 21, 22, इसका भी नंबर बताना है और इसका भी क्या बताना है, प्लेस बताना है, यानी कहां पे आयोजित किया जाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर कहीं ना कहीं डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनेगी ये आपके, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में हमारे पास फिर क्वेश्चन है, अपातनी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, कंबल किस राज्य का खेल है, जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है। इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे जाकर के ज्यादा से ज्यादा बताना है। अगर दोस्तों सेशन को अच्छा लगा है तो इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।